स्वास्थ्य वगैरह सबका ठीक है? कुछ थोड़े प्रश्न कर लीजिएगा, खांसी वगैरह चल रही है, जो आप लोगों को पूछना है चाहे कम ही प्रश्न करके, थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी बिल्हाई नगर के श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, चकलेश्वर महादेव की कृपा, कहीं ना कहीं मनुष्य के भीतर शिव तत्व रहता ही है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंतर्गत शिव तत्व ना हो। तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते भगवान कृष्ण ने ही, राम ने ही शिव तत्व को प्रदान किया है और शिव भक्ति में लगाया है। ये 1999 से कथा चल रही है। बाबा की कृपा से पहली कथा चांडक परिवार में हुई थी और जब से ये कथाओं का क्रम चालू। पंडित जी, जिस प्रकार से जन सैलाब कथाओं में उमड़ रहा है, क्या कुछ मानते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं या कुछ और? शिव की ओर भक्ति का प्रभाव बड़ा है। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत लोगों को जो तकलीफें हुई हैं, तब लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि धन दौलत सब अपनी जगह रह जाती है, बैंक में लॉकर में पैसा पड़ा रह जाता है। जो कोरोना काल के अंतर्गत लोगों ने सेवा करी है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी को औषधि प्रदान करा, किसी को कुछ करा, तो वो तत्व उनके भीतर आया कि कहीं ना कहीं भगवत भक्ति हमको करना चाहिए। पंडित जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, आपको इतना लोग दान दे रहे, आप कितना चैरिटी करते हैं? आप देखते होंगे सीहोर में हजारों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, लगभग 30,000 से 40,000 आदमी रोज का भोजन प्रसाद वहाँ ग्रहण करता है। औषधि सेवा वहाँ पर एक छोटा चिकित्सालय है जिसमें कोई भी लगभग 48 से 50 गांवों के लोग लगे हुए हैं कुबेरेश्वर धाम के आसपास में, जो वहां आकर अपने शरीर का जांच कराना, सेवा लेना, वहां से औषधि निशुल्क रहती है, रुकने की व्यवस्थाएं आदि गादी तकिया सभी निशुल्क रहता है। वहां पर एम्बुलेंस चलती हैं, दो एम्बुलेंस समिति द्वारा चल रही हैं जो निःशुल्क हैं। जैसे मान लो किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हो गया और कोई बाहर रहे, या किसी का बॉडी है या कोई तकलीफ हो गया है, तो उसको वहां तक निशुल्क, कोई पेट्रोल डीजल या कोई पैसा उससे नहीं लिया जाता, वो सब कुबेरेश्वर धाम के द्वारा ही। मैं कुबेरेश्वर धाम गया था, वहां पे महिलाओं के लिए बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी, खाना खत्म हो जाता है तो भगा दिया जाता है, नहीं आपके जो कमरे बने वहां ताले लगा दिए जाते हैं, और जो गौ सेवा के नाम पे पैसा लिया जाता है, वहां मात्र 20 से 25 गाय है सिर्फ जी। और आपने देखा होगा वहां पर व्यवस्थाओं के अनुसार, जैसे जो लेटरिन बाथरूम में आपने देखा होगा, वो वहाँ पर काम अगर चलता है, जैसे अभी भी लेटरिन वहाँ टूटी पड़ी हुई है, तो उनकी जब व्यवस्था थोड़ी रूप में, जैसे 50 लेटरिन है तो 25 लेटरिन की व्यवस्था जब हम लोग सही कर देते हैं तो 25 के ताले खोल देते हैं। जैसे रूमों की आप बात कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में आप कभी जाएँ ऊपर तो मालूम करेंगे कि ऊपर जो पाइपलाइन डली हुई थी, वो पाइपलाइन फूटने के कारण पूरे कमरों के अंदर पानी भरा रहा था, इसके कारण उनमें तालों की व्यवस्था करी गई। गौ माता की सेवा, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि आपके घर में अगर एक पुत्र है, उसी को आप अच्छे से पाल लेंगे तो आपके जीवन की सार्थकता होगी। हम उतनी ही गायों को रखना पसंद करते हैं अपनी गौशाला में जितनों की हम सेवा कर सकें। अधिक गाय रखने पर अगर कोई भूखी मरे या किसी को कोई त्राण उत्पन्न हो तो उससे हम लोगों को भी दुख उत्पन्न होगा। एक बड़ी गौशाला के लिए एक भूमि को खरीदा गया है जो कि कुबेरेश्वर धाम से कुछ दूरी पर है, वहाँ पर एक तालाब का निर्माण चालू हो चुका है, लगभग 4 या 5 दिन हुए हैं अभी, और वहाँ एक बड़ा बेल्ट गौ माता के लिए निर्मित किया जा रहा है। जब वो पूर्ण तरह से निर्मित हो जाएगा तब आप लोगों को उसकी भी सूचना जल्दी ही प्राप्त होगी कि वहाँ हजारों गाय एक साथ में चारा पा सके, एक साथ में पानी पी सके, और एक साथ में वहाँ आराम से सुचारू रूप से उनको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा बेल्ट गौ माता के लिए निर्मित किया जा रहा है जिससे वो आराम से वहाँ सुचारू रूप से चारा भी खाए, पानी भी पिए और घूमती रहे, उसको बांधने की जरूरत कहीं नहीं पड़े। पंडित जी, मेरा सवाल है कि सदानंद सरस्वती जी ने समलैंगिकता के मामले में कहा कि धर्म परंपरा संस्कृति के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है, क्या कहना चाहिए? इतना ही कहना चाहूंगा, जो समलैंगिक विवाहों का जो प्रस्ताव रखा गया है ये श्रेष्ठ नहीं है, हमारे आने वाले सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाने वाला है। धर्म से राजनीति के प्रवेश को आप किस रूप से देखिए? राजनेता और धर्म ये दोनों चीजें हमारे यहाँ पुरातन समय से चली आ रही है।
भगवान श्री दशरथ जी महाराज के राज्य में भी गुरु बैठा करते थे, अपना ज्ञान दिया करते थे, सतमार्ग की ओर लाने का प्रयास किया करते थे। ऐसा नहीं कि राजनेता के अंतर्गत धर्म नहीं या धर्म के अंतर्गत राजनेता नहीं, दोनों एक सामान्यता के साथ चलेंगे। जैसे सब्जी में नमक की मात्रा बराबर रहे तो ठीक है। उसमें से मात्र 15-20 मिनट ही आप बताते हैं, बाकी सब ऐसे ही प्रक्रिया चलते रहता है। ये लोगों की मांग है कि उसको भूटान से बताएं। देखिए, शिव पुराण तो आपके घर में भी है और शिव महापुराण सभी के घर में विराज रही है। अगर वही की वही शिव विवाह को हम प्रस्तुति देते रहें या भगवान गणेश जी का ही वर्णन हम करते रहें तो जनमानस समझेगा कैसे। जनमानस को शिव कथा के माध्यम से जो लौकिक कथाएं हैं, हमारे भीतर के जो दोष हैं, हमारे भीतर में हम क्या गलती कर रहे हैं, माता पिता का स्वभाव क्या होना चाहिए, बच्चों का बहुओं का स्वभाव क्या होना चाहिए, ये शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। पंडित जी, आपसे एक सवाल है। आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि घर का एक बच्चा आरएसएस में हो या बजरंग दल में, क्या आप बीजेपी के राष्ट्रीय मतलब स्टार प्रचारक हैं? स्टार प्रचारक तो मैं महादेव का हूँ। मूल रूप से शिव जी का प्रचार मूल रूप से हम लोगों का मूल तत्व है। उसमें ये नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के लिए, जो हमारे सनातन धर्म को पोषणता प्रदान करे। जिस पेड़ से हमको छाया मिल रही है उस पेड़ के नीचे अगर जल डालेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो फल भी दे। तो उस भाव से कहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारा सनातन धर्म मजबूत होता चाहिए। उपेश बघेल गोधन न्याय योजना चला रहे, क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उन्होंने रायपुर के व्यासपीठ के नजदीक में आकर कहा था कि हम लोग जो नंदी होते हैं बैल, जिसको लोग काटने के लिए छोड़ देते हैं, उसको भी वो पालन कर रहे हैं। उसके लिए हमने उनको साधुवाद भी दिया था कि आपकी ये योजना बहुत सुंदर है और होना चाहिए। राजनीति के अंतर्गत अगर आप धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं या कहीं ना कहीं किसी जीव की रक्षा कर रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। आपके भक्तों की संख्या गिनती कर पाना मुश्किल है कहीं, लेकिन जो आपके पास आते हैं वो वीआईपी कल्चर है कहीं, आप ऐसा नहीं वीआईपी कल्चर को बढ़ा, आम भक्त से आप नहीं मिलते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं हम लोगों को। आप लोगों ने व्यासपीठ पर जितना सुना होगा और यहाँ पर भी जो कथा हुई है, भिलाई नगर में भी जो कथा हुई है या रायपुर में भी जो हुई है, जो व्यासपीठ से हम लोग कहते हैं वो बिल्कुल पक्का कहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। और आप यहाँ पर भी जो द्वार पर खड़े हों या पुलिसकर्मी खड़े हों या प्रशासनिक खड़े हों, आप उनसे पूछना कि सीओर वाले महाराज किसी से मिले क्या या कोई वीआईपी उनसे मिलने के लिए आया है? फोटो तो आ रही है। कौन वीआईपी के साथ आपकी फोटो आई होगी? एक तत्व के लिए स्मरण में आपको आया होगा कि एक माता जी ने एक शिव नाम का उच्चारण अपनी पुस्तक पर जब लिखा है तो उस पर शिव तत्व की छवि बनी हुई है। वो जब लेकर हम लोगों को दिखाने के लिए कोई भी आए, जैसे वहाँ एक भैया रायपुर से पैदल चलकर आए तो हम लोग उनको मंच पर बुला। कोई चीज़ अगर हमारे सामने अच्छी आती है और कोई दिखाने आता है तो उसको भगा तो ना देंगे ना। शिव जी का स्वरूप जो है साधना का दिखता है, ध्यान का दिखता है, और आप टोटके बताते हैं, टोटकों से समाज में अंधविश्वास की बढ़ोतरी होती है, क्या कहते हैं इस बारे में? एक भी टोटका अगर बताया हो तो आप बताइए कि कोई टोटका है जो शिव महापुराण में ना लिखा हो। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाना अगर टोटका मानते हो, शिव जी को दूध चढ़ाना या दही चढ़ाना टोटका मानते हो, बेलपत्र पर शहद लगाना अगर टोटका मानते हो, जो नहीं लिखा हो वो जरूर बताइएगा। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल जी है कि आप अपनी कथा के दौरान कईयों को निदान बताते हैं और उसको कई लोग चमत्कार समझते हैं, कुछ लोग उपाय समझते हैं, चमत्कार और उपाय के बीच में विज्ञान कहाँ है? बिल्कुल है ना विज्ञान, क्यों नहीं है? जिस बेलपत्र को लोग मंदिर में चढ़ाकर फेंक देते थे आज वो बेलपत्र खा रहे हैं, तो जिन्होंने उसको औषधि के रूप में फिर निकालना प्रारंभ करा, आखिर इसमें बेलपत्र में है क्या, तो उन्होंने निकाला ना कि बेलपत्री में ऐसा तत्व छुपा हुआ है जिससे शुगर बीपी और थायराइड की इलाज हो जाता है। तो धीरे 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 जब व्यासपीठ से कुछ बोला जाता है तो उसको लोग सर्च भी करते हैं, जब उसको सर्च करते हैं तो उसमें निकालते हैं कि इसमें ऐसा तत्व है क्या, इसमें जल चढ़ाने में क्या तत्व है, भगवान शिव को दही चढ़ाने से क्या महत्व है। ये हमारी जो वेद व्यास जी ने पूरे 24,000 श्लोक में जो शिव महापुराण के अंतर्गत बताया है, तो उसकी महत्वता में एक एक चीज का वर्णन है। बेलपत्री का वृक्ष लगाया है। धर्म बाजार और मुनाफाखोरी क्या कहना चाहेंगे? धर्म बाजार और मुनाफाखोरी, पहले तो इसको डेफिनेट करिए, उसको समझाने का प्रयास करिए। सर, 5 रुपए की चीज को पंडित जी 50 रुपए में बेचा जाता है जी, धार्मिक पंडालों के आसपास जी जी, इसे आप मुनाफाखोरी के रूप से देखते हैं या फिर? हमने उसका वर्णन कल भी व्यासपीठ से करा है कि आप जो गलत कर रहे हैं उसका भुगतान तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हमने ये भी कहा है कि चाहे सीओर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी या साधारण व्यक्ति हो, उसको अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। आज हमको खांसी चल रही है तो हम ही उसको भोगेंगे, आपका शरीर में ताप है तो आपको ही उसको भोगना, आपका सिर दर्द है तो आपको भोगना। उसी तरह आप
धर्म की जगह पर अगर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे, मालूम पड़ा वो बाद में डॉक्टर में लग गया या गलत जगह लग गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मांस मदिरा का सेवन वर्जित है, लेकिन यहाँ लोग आपने करवाया, सैकड़ों लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। रुद्राक्ष हमने धारण नहीं करवाया, ये हमारे आपने कभी भी हमारे मुख से ये नहीं सुना होगा कि आप रुद्राक्ष को धारण करो। हमारे मुख से ये सुना होगा कि उस रुद्राक्ष को अपने पास में रखिए, उस रुद्राक्ष की महत्वता को जानिए। आप पहन रहे हैं वो मूल है, और मुझे विश्वास है जिसके घर में रुद्राक्ष धीरे धीरे प्रवेश करते जाता है और जो शिव तत्व की ओर जाता जाता है, वो अपने आप ही धीरे धीरे मांस मदिरा से दूर होता चले जाता है। ऐसे कई पत्र व्यासपीठ पर रखे हुए हैं जिसमें लोगों ने मदिरा को छोड़ा है, मांस को छोड़ा है, ऐसे कई पत्र व्यासपीठ पर रखे हैं, उसका भी आप अवलोकन करिए। आपका एक तो बयान आया था कि जिसमें आपने संविधान बदलने की बात करी थी, संशोधन की बात करी थी, आपने क्यों बात करी? पहली बात तो कहेंगे कि व्यासपीठ से आज तक संविधान बदलने के लिए बयान नहीं दिया गया। आप कोई भजन गा रहे हो और उस भजन की अगर कड़ी को आप निकाल लेते हो अलग से, तो ये आपकी विवेकता है। हमारे यहाँ से, हमारी व्यासपीठ से आज तक ये संबोधन नहीं कहा गया कि संविधान बदलिए। हमारे यहाँ वीडियो है मेरे पास, भजन आप उसको सुनिए, आप भजन सुनिए, वापिस सुनिए उसको एक बार, वीडियो को मुझे भी सुनाने का प्रयास करिएगा। आप मुझे सुनाइए उस वीडियो को जिसमें मैंने ये कहा हो कि संविधान बदलिए। आप उसमें वीडियो में सुनेंगे कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये भजन की लाइन है। आप उसको भजन में देखिए, भजन में ऐसे कई लाइनें आती हैं जिसको हम लोगों को आनंद के साथ गाना पड़ता है, भजन का स्मरण करना पड़ता है। अब उस भजन की लाइन को अगर कोई कैच करता है और उसमें गलती निकालता है, तो दुनिया में कोई मनुष्य का शरीर ही ऐसा है कि जिसमें गलतियां छाटने के लिए ही हम लोग रहे हों। तो बात आपने कहा था कि अगर बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो किसी ना किसी कंपनी के नौकर बनेंगे, तो आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ा रहे? हमारे बच्चे स्कूल के साथ में उनको गुरुकुल की सभ्यता भी दी जा रही है, ऐसा नहीं है। मूलतः हमारा जो संबोधन था उसको आप लोगों ने स्मरण नहीं किया होगा। जो बच्चे स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, उन्होंने सारे संसार के लोगों को गुलामी देने के लिए बनाए थे। और भारत के जो गुरुकुल होते हैं वो गुरुकुल कभी नौकर बनना नहीं सिखाते। भारत के गुरुकुल राज सिंहासन की गादी पर बिठाना सिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी को बिठाया, महाराणा प्रताप को बिठाया, दशरथ जी को बिठाया, जनक जी को बिठाया, राजगादी तक पहुँचाने का लक्ष्य हमारे गुरुकुल देते हैं। भारत की सभ्यता और भारत की विद्या देती है। ये कॉन्वेंट जो दिए हैं वो नौकर बनाना सिखाते हैं। सभी धर्म समान होते हैं, किंतु सनातन धर्म में बाकी धर्म के लोग भी कहते हैं कि हमारा धर्म खराब होता है, क्योंकि सनातन धर्म में कुछ लोग कहते हैं जो अपने धर्म के प्रति टिप्पणी करते हैं, समझ में आता है। सनातन धर्म, हम तो कह, व्यासपीठ ने आज तक किसी धर्म की निंदा नहीं करी। कभी आपने व्यासपीठ से नहीं सुना होगा कि किसी धर्म के लिए अपशब्द कहा गया हो। मूलतः जब मेरा बेटा है, वो बेटा कितना भी गंदा काम कर रहा है, आपका पुत्र है, एक माँ से पूछना, वो माँ को मालूम है कि मेरा बेटा पान की दुकान पर खड़ा होता है, उसके बाद भी माँ अपने ही बेटे को चांद का टुकड़ा कहेगी। उसी तरह हम तो कहेंगे, अब सनातन धर्म में अगर जन्मे हुए हो, आपके सनातन धर्म के अंतर्गत आप रह रहे हो, तो आपको आपका सनातन धर्म श्रेष्ठ लगना चाहिए। धर्म परिवर्तन आज के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, अपने आप की गलतियां हैं। अपने आप की गलतियां ये रहती हैं कि हम कहीं ना कहीं उनको हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे भी भैया ने कहा कि एक साधारण व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं हम उनको हटाने का प्रयास करते हैं, वो हटते हैं तो उनका हृदय टूटता है, टूटता है तो वो अन्य धर्म में जाते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है, या हमारा सनातन धर्म का ये प्रयास रहना चाहिए कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी वर्ण का व्यक्ति जुड़कर जब चलेगा, तो हमारा हिंदू धर्म या हमारा सनातन धर्म कभी नहीं टूटे। शुरुआत में लोग राम कथा, भागवत कथा करते, क्यों पुराण कथा करते? शिव तत्व भगवान शंकर को जानने का एक विषय है। भगवान शंकर को स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जान पाए। ये शिव महापुराण तो छोटा सा प्रसंग लेकर इसको जीवन पर्यंत भी लिया जाए तो हम नहीं जान सकते। घर में रहने वाला एक माँ हो, एक पिता हो, एक भाई हो, एक बंधु हो, एक बहन हो, ये सब शिव तत्व के रूप में। उसमें ऐसा नहीं कि शंकर केवल कैलाश पे रहा है, घर में रहने वाला एक एक पिता और माता भी कैलाश से कम नहीं रह रहे हैं, वो भी एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो भी अपनी जिंदगी आनंद में जीना चाहते हैं। तो शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। राष्ट्र की कल्पना करें, बहुत सारे साधु संत जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा, आपकी क्या राय? हमारा सनातन धर्म और ये हिंदू राष्ट्र, हम तो पहले भी कहे हैं, जो
बंटवारे के समय चले गया वो चले गया, पर जो आज भारत की भूमि जो है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, उसके लिए विशेष कोई सील ठप्पा लगना मूल नहीं। अब ये उनकी सोच है, परंतु हमारा भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर जो जहाँ भगवत भजन है या आदर का, या किसी के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए, किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाए, केवल भारत की भूमि पर ही एक ऐसा लक्षण है कि आपको तकलीफ है तो आज पड़ोसी को भी तकलीफ हो जाती है कि क्यों दुखी है, इसको सुख है तो भगवान की कृपा से उसको प्रसन्नता हो जाती है कि उसके यहाँ गाड़ी आई है। यह भारत की भूमि का लक्षण। तो यहाँ जहाँ पर एक आनंद का विषय रहता है, अपने हृदय में किसी के प्रति समर्पण का भाव रहता है, तो वो हिंदू सनातन धर्म ही हमारा है। सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। अगर आप सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, किसी जरूरतमंद को अगर कोई व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो सभी धर्म अच्छे। महाराज जी, आरक्षण पे पूरे राजनेता राजनीति करते हैं, सरकार बनाते हैं, आरक्षण का मुद्दा लाते हैं, आपकी नजर में आरक्षण कहाँ तक सही, आर्थिक होना चाहिए या जातिगत होना चाहिए? हमारा तो इतना सा कहना है कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसको समय पर जरूरत के अनुसार दे देना चाहिए। मूलतः आज अगर दवाई की जरूरत है और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहा है और उसको हॉस्पिटल में दवाई बाद में मिले तो क्या मतलब है? आज के हिसाब से जहाँ किसी को आर्थिक स्थिति की जरूरत है, केवल जातिवाद से मतलब नहीं है, किसी को जरूरत है उसको दिया जाए तो उसको सुख का अनुभव होगा। मूलतः अगर कहीं भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है और मानव की देह दी है, तो प्रयासरत रहें कि हमारे शरीर के द्वारा या इस वाणी के द्वारा या अपने द्वारा कोई 10 लोग नहीं बदल सकते, परंतु कोई 4 भी बदल गए ना तो जीवन की सार्थकता होगी। वो 4 भी नहीं बदले, उनको बदलते बदलते अपन स्वयं भी बदल गए ना तो भी जीवन की सार्थकता हो जाए। राजनीति वाले तो निरंतर आते रहते हैं, पर हमको जाना नहीं शिव तत्व की। एक सवाल आपसे, क्या भारत देश में सनातनी जाग रहा है? क्यों नहीं जाग रहा? अगर सनातनी नहीं जागता तो आज पंडालों में इतना भीड़ ना होता है। आज उनके भीतर भक्ति जागृत हुई है, किसी को यहाँ पर पैसे देकर नहीं बुलाया गया। आप पंडाल में रात्रि के समय भ्रमण करिए, दिन के समय भ्रमण करिए, उनसे पूछिएगा, उनके 200 रुपये 500 रुपये खर्च हुए होंगे, ऑटो में लगे होंगे, तब जाकर वो कथा स्थल पहुँचे होंगे। आज के समय में जो शादी की पत्रिका देने आते हैं वो साथ में रिजर्वेशन भी कराते हैं कि मौसी जी आ जाना, तो भी मौसी जी नहीं पहुँचती है। तो यहाँ तो अगर वो पहुँच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा सनातन। अगर कोई गरीब आदमी पंडित प्रदीप मिश्रा से भागवत कराना चाहता है तो कैसे कराएगा, इतने पैसे? पहले तो यहाँ यजमान विनोद जी भी हैं और वो पांडे जी भी हैं, और आगे रायपुर में जो बसंत जी कथा कराए हैं, भिलाई में एक अग्रवाल परिवार ने पूर्व में भी कथा कराई है। आप पूरे छत्तीसगढ़ क्या, मध्य प्रदेश क्या, महाराष्ट्र सब दूर जाकर पूछना सीवर वाले महाराज जी को ये कितना रुपया दिए होंगे, एक बार जरूर जाकर पूछना। 70 लाख 40 लाख किस चीज की? 40 लाख किस लिए का 70 लाख? विनोद जी आकर कहें एक बार कि गुरुजी को 70 लाख रुपए दिए हैं। विनोद जी आइए बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ गुरुजी को कुछ नहीं है। नहीं, आप बताइए ना विनोद जी, आप यहीं खड़े हुए बिल्कुल मीडिया के सामने बताइए कि गुरुजी ने 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख अगर दिए हों तो एक बार यहीं से नहीं, व्यवस्थाओं में जो लगता है वो व्यवस्थाओं में लगता है। ये तो पता नहीं। गुरुजी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ नक्सल अफेक्टेड रहा है जी, नक्सल यहाँ पर बहुत है जी, आपके माध्यम से क्या संदेश होगा उनके लिए? इतने कहना चाहूंगा कि प्रयास रहे कि हमारे जो सैनिक भी लगे रहते हैं, पुलिस कर्मी भी लगे रहते हैं, या सुरक्षा के जो भाव लगे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की भूमि को या हमारे धर्म को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि नक्सल एरियो में जहाँ कहीं भी इनके ऊपर जो आक्रमण होता है और इनका परिवार बाद में रोता है या उनको तकलीफ होती है, वो कहीं ना कहीं बद्दुआ हमको भी नष्ट कर देती है। तो प्रयासरत रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो जीवन साफ। आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी प्रचार करते हैं, पर कई बार वो ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है, आज भी उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, हो सकता है
वो जो पढ़ रहे हों, वो जो अध्ययन कर रहे हों, उसके अनुसार वो बोल रहे हों। पर हमारे यहाँ किसी भी धर्म के कोई देवता हैं, मान लो ब्राह्मण धर्म के देवता हैं या क्षत्रिय धर्म के देवता हैं, उनको भगवान के रूप में अगर पूज रहे हैं तो कुछ तो उन्हें अच्छा ही हो जिसके कारण बस उनकी पूजन करी जा रही है, उनकी आराधना करी जा रही है। हम उनके गुण को छाटें और गुण को छाटकर जनमानस तक दें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसमें अवगुण ना हो। हम भी होंगे तो हमें भी कुछ अवगुण भरे होंगे। संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मानव के अंदर अवगुण है, परंतु हम उस गुण को क्यों नहीं प्रकट करते, हमें अवगुण ही क्यों नजर आता है। तो हमारा तो इतना सा कहना रहेगा कि ऐसा नहीं, वो जो अध्ययन कर रहे होंगे उन अध्ययन में हो सकता है उनके पास में ये बातें आई हों, परंतु हमारा प्रयास ये रहे कि हम उसमें से कुछ अच्छा जनमानस तक पहुँचाएँ जिससे हमारा सनातन धर्म जातियों में ना टूटे, एकजुट होकर आगे बढ़े। धर्म की परिभाषा यही है कि किसी दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाना और सुखी को देखकर सुखी हो जाना। उसके जीवन में अगर कहीं कष्ट है और आप आगे बढ़कर उसका साथ दे रहे हैं तो हमारा वो सनातन धर्म है। मतलब आप उसके लिए अग्रण्य हैं, खड़े हैं। उसको ये नहीं कि मेरा पिता ही होगा। एक लड़की कुमारी अवस्था में जा रही है और उसका पिता उसके साथ में है तो उसको लगता है कि मेरा बाप मेरा पिता मेरे साथ में, मेरे को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। सनातन धर्म की मूलता ये रहती है जब आप एकांत में भी निकल कर जाएं और आपको किसी का भय ना हो तो समझ लो कि सनातन धर्म जागृत हुआ है, उसमें कोई आपके ऊपर उंगली नहीं कर सकता। गुरु जी ये आखिरी प्रश्न जी, यहाँ सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं गुरु जी, आखिरी संदेश आप क्या देना चाहते हैं भिलाईवासियों? भिलाईवासियों को इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे भिलाई में लोहे का खान माना जाता है, इस्पात नगरी कहा जाता है, तो जैसे लोहा बहुत कठोर होता है और इतना कठोर होता है कि वो तलवार बनकर कईयों को काट देता है, पर लोहे से भी ज़्यादा कठोर होती है अग्नि जो लोहे को गला देती है। अग्नि से भी ज़्यादा, अग्नि को लगता है कि मैं कठोर हूँ, तो अग्नि से ज़्यादा कठोर होता है जल, जो जल एक लोटा पानी अग्नि को बुझा सकता है। अब जल को लगे कि मैं कठोर हूं तो जल से ज्यादा कठोर होता है मनुष्य जो उसको लोटे में भरकर निगल जाता है, पर मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है उसकी बीमारी जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। उस बीमारी को निगलने वाला अगर कोई होता है तो वो परमात्मा की भक्ति होती है। एकांत में जब पड़े रहते हो तब कुछ भी याद नहीं आता, तब केवल भगवान ही याद आता है। उस समय डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब उस पर भरोसा रखो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उस भक्ति में संसार का मनुष्य लगे तो उसकी जीवन की सार्थकता हो। हर हर महादेव। गंगा का जो आगमन होता है उसकी कथा से जुड़ा ऐसा प्रकट है, गंगा का आने के बाद उस दौरान जो कठिन परिस्थितियों में गंगा का आगमन किया गया था वो राम के कुल से किया गया था। इस विषय में उस कठिन परिस्थिति में मानव ने कैसे उस जगह तक पहुंचे थे और किन कर्मकांडों का उपयोग किया था, जबकि आज कर्मकांडों का बढ़ावा हो गया कलयुग में, उस समय क्या उन्होंने जो मेहनत की थी, कई पीढ़ियाँ उनकी समाप्त हो गई थी उस दौरान जो घटना घटी थी और जो उन्होंने साधना का उपयोग किया था उसके बारे में क्या कहते हैं? कर्मकांड का प्रयोग उस समय पर तो उन्होंने जो किया वो केवल साधना का किया, भगवान की भक्ति इतनी करी, इतना विश्वास रखकर करी कि उनको लग गया था कि हम गंगा को पृथ्वी पर लेकर आएंगे। कोई भी एक लक्ष्य होता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर पानी निकालना है तो मालूम पड़े एक कुआं यहाँ खोद दिया 10 फीट 20 फीट का, दूसरा वहाँ खोद दिया 20 फीट का, 50 फीट का वहाँ खोद दिया, 60 फीट का वहाँ खोद दिया, एक भी कुएं में पानी नहीं आया। इसलिए हमारे माता पिता कहते हैं एक ही कुएं को इतना खोदे जाओ, इतना खोदे जाओ, इतना खोदे जाओ कि उसमें से पानी निकल जाए। अगर एक ही भक्ति में आप तल्लीन रहेंगे और जैसे भागीरथ बाबा ने अपनी तल्लीनता रखी कि मुझे गंगा को लाना है और विश्वास के साथ उनका परिवार, एक परिवार अकेला नहीं, भागीरथ जी अकेले नहीं, उनके पीछे के जितने भी राजा गए हैं वो उस गंगा को लाने का प्रयास करते रहे, अर्थात एक ही जगह कुआं खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे। अकेले भागीरथ जी का तप नहीं, उनके पूर्वजों का भी तप। जैसे आज हमारे को अगर हमारी 4 मंजिल बिल्डिंग बनी है, हमारे यहाँ फ्रिज कूलर आया है, हमारी जमीन जायदाद बनी है, या हमारे यहाँ हमारा वैभव बना है, घर में अच्छी बहू आई है, तो ये केवल आपका प्रताप नहीं है, आपके दादा परदादा ने जी भी भजन किया होगा, उसके प्रताप के अनुकूल हमको ये बिल्डिंग प्राप्त हुई है, हमें भजन प्राप्त।